क्या सच में अप्रैल में डायनासोर्स की तरह हमारा भी अंत होने वाला है? सोशल मीडिया पर एक अफवाह बहुत फैल रही है कि 29 अप्रैल 2020 को दुनिया खत्म होने वाली है। दरअसल सबसे पहले ये खबर एक अंग्रेजी अखबार में छपी थी और इसके बाद सोशल मीडिया पर ये अफवाह एकदम आग की तरह बहुत तेज़ी से फैल गई है। लोग इस पर भरोसा भी कर रहे हैं कि एक एस्ट्रॉयड धरती के पास से गुजरेगा और फिर पूरी मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि इस खबर की सच्चाई की, तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, नासा के जो वैज्ञानिक हैं यानी कि साइंटिस्ट, उनके अनुसार एक बड़ा एस्ट्रॉयड धरती के बेहद करीब से होकर गुजरेगा। साइंटिस्ट को आशंका है कि अगर किसी भी तरह के अगर एस्ट्रॉयड हमारी धरती से उसका टकराव हो जाता है तो एक बहुत बड़ी तबाही जो है वो मच सकती है, जैसा कि आज से अरबों साल पहले कई बार हो चुका है। वैज्ञानिकों का जो अनुमान है वो है कि 29 अप्रैल 2020 को एक हिमालय जितना बड़ा एस्ट्रॉयड धरती पर तबाही मचा सकता है। नासा के साइंटिस्ट का कहना है कि इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एस्ट्रॉयड धरती के पास से होकर गुजरेगा, लेकिन इससे धरती का टकराव संभव जो है वो ना के बराबर है। पूरी दुनिया में कई ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जो इससे बिल्कुल ही विपरीत यानी कि बिल्कुल ही ऑपोजिट अपनी राय जो है वो सामने आकर रख रहे हैं। उनका कहना है कि ये माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा हो सकता है और अगर इसकी जो स्पीड है उसमें थोड़ा सा भी अंतर होता है तो ये धरती से टकरा सकता है और एक बड़ी तबाही मचा सकता है। करीब 6.6 करोड़ साल पहले इसी तरह का एक एस्ट्रॉयड जो है वो धरती से टकराया था और धरती से डायनासोर्स बिल्कुल गायब हो गए थे। और अगर उसी तरह की जो घटना है वो दोबारा घटती है तो अप्रैल का जो महीना है 2020 का, वो मानव सभ्यता का आखिरी महीना जो है वो साबित हो सकता है। इस खबर के चलते अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो चुके हैं और अलग अलग तरीके की जो राय है वो अपनी सामने आकर रख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस एस्ट्रॉयड का नाम 52768-1998 IR2 है। इसकी रफ्तार करीब 31,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये धरती से करीब 63 लाख की दूरी से गुजर सकता है। इसे वैज्ञानिकों ने सबसे पहले 1998 में पता लगाया था और इस एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने पर कितनी तबाही मचाएगी इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि करीब 6.6 करोड़ साल पहले जो एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था उसका स्पीड 2020 यानी कि 2020 के इस एस्ट्रॉयड की स्पीड से करीब 2 गुना था और टकराव इतना ज़बरदस्त था कि इससे धरती के जीवन को करीब 2 बार ख़त्म किया जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि एस्ट्रॉयड दरअसल एक्चुअल में होता क्या है, एस्ट्रॉयड क्या चीज़ है। ये सूर्य की परिक्रमा करने वाला चट्टानी पदार्थ होता है। ये ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन इसका जो आकार होता है वो ग्रहों के मुकाबले यानी ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा होता है। पहले के इतिहास में एस्ट्रॉयड से धरती का जो टकराव हुआ था उसकी बात अगर करें तो रूस के साइबेरियन में 30 जून 1908 को एक एस्ट्रॉयड 70,000 प्रति घंटे की स्पीड से धरती से टकराया था। इसका जो टकराव था वो हिरोशिमा में गिरने वाले परमाणु के 100 परमाणुओं से भी ज़्यादा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब से ये खबर सोशल मीडिया पर फैली हुई है तब से लोग इसको लेकर काफ़ी चिंतित हैं, बहुत सारी बातें सामने रख रहे हैं और नासा के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस खबर को गलत बताया है। जी हाँ, नासा ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि एस्ट्रॉयड 29 अप्रैल 2020 को पृथ्वी से होकर गुजरेगा, लेकिन पृथ्वी की इस एस्ट्रॉयड की जो दूरी है वो तकरीबन 4 मिलियन होगी। इसकी स्पीड 31,000 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। हालांकि पृथ्वी पर इस एस्ट्रॉयड का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इस एस्ट्रॉयड की खोज आपको जैसे हमने बताया 1998 में हुई थी और तब से लेकर अभी तक नासा इस एस्ट्रॉयड की हर एक गति पर जो है वो नज़र रखे हुए है। इस एस्ट्रॉयड के बारे में आपको सारी जानकारी नासा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मिल सकती है। फिलहाल अगर अभी नासा की बात माने तो इस पर चिंता जताने वाली कोई भी बात नहीं है और ना ही घबराने वाली बात है।
खैर आपको इस एस्ट्रॉइड के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और जाते जाते ये वीडियो हमारा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इस बारे में सबको जानकारी मिल सके।